तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो कैप्सूल सीरीज है उसके माध्यम से जो हम इंग्लिश की जो सीरीज चला रहे हैं, इंग्लिश में हर दिन आपको नए से नया जो टॉपिक है वो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें आपको करवाई जा रही है। तो प्यारे बच्चों, इसी को ध्यान में रखते हुए आज आप लोग के भारी डिमांड पर हम ये सोच रहे हैं कि आज आपको टेंस पूरी एक क्लास में कवर करवा दिए जाए। तो टेंस जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनका यूज कहाँ होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने टेंस जिंदगी में पहली बार अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, अगर केवल इनका नाम आज ही सुन रहे हो तो भी आप चिंता नहीं करो, क्योंकि आप जो है जो ये टेंस देख रहे हो ये टेंस आपके दिमाग में ऐसे छप जाएंगे, है ना, कि आप कभी इनको भूल नहीं पाएंगे। बस आप पढ़ के देखिए और ये बहुत ध्यान से आप जाना समझेंगे कि ऐसा टेंस आपको कहीं भी और पढ़ने को नहीं मिलेगा, है ना। तो बहुत ध्यान से देखिए और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना, ये विश्वास रखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, टेंस कहलाते क्या है। तो टेंस यानी काल होता है। ये जो टेंस होते हैं ना प्यारे बच्चों, ये मुख्य रूप से जो समय की अवधि है ना, इस समय की जो अवधि है उसको बताते हैं, इसलिए इनको टेंस कहते हैं। अब समय की अवधि के पार्ट में बताई जाती है, तीन पार्ट में, यानी एक तो जो अभी चल रहा है यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यानी ये वर्तमान है, और एक वर्तमान ये हो गया तो मेरे पीछे यानी जो बैक साइड है, जो मतलब बीत चुका है, वो क्या कहलाता है, वो भूतकाल कहलाता है या अतीत कहलाता है, इतिहास कहलाता है। और इसके बाद का जो मतलब ये आया मतलब भूतकाल आया, उसके बाद अभी वर्तमान है, उसके बाद जब आने वाला जो है उसको अपन भविष्यकाल कहेंगे, यानी आने वाले को भविष्यकाल। तो कैसे समझेंगे, यानी वर्तमान में जो है वो है अपना प्रेजेंट, और उसके पहले जो है वो पास्ट, उसके जो आगे वाला आने वाला है वो है फ्यूचर। तो फिर देखिए सबसे पहले क्या है कि जो आप टेंस है, टेंस के मुख्य प्रकार जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि जो वर्तमान में है यानी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये तो प्रेजेंट है, इंग्लिश में इसको प्रेजेंट बोलेंगे, और इससे पहले यानी जो अतीत है उसको इंग्लिश में पास्ट बोलेंगे, इसके बाद जो आने वाला है उसको बोलेंगे भविष्य, यानी भविष्यकाल होगा, और इंग्लिश में उसको फ्यूचर बोलेंगे। अब इसी को डिफाइन अपन ब्लैक बोर्ड पे करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है प्यारे बच्चों, टेंस जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है ना। तीन पार्ट कौन कौन से हैं, नंबर वन जो है वो है प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, दूसरा है पास्ट यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर यानी भविष्य काल। क्या होता है प्यारे बच्चों, ये जो तीन काल है, ये तीन काल बेसिक तो अपन को इतना समझ में आ गया कि जो चल रहा है वो गया वर्तमान, जो बीत गया वो भूतकाल हो गया, जो आने वाला है वो भविष्य काल है, लेकिन इनके भी अपने अपने पार्ट होते हैं, इनके भी अपने प्रकार है। तो इनके जो प्रकार है प्यारे बच्चों को चार प्रकार के होते हैं, यानी अपने आप में जो टेंस है यानी जो हर टेंस होता है वो हर टेंस अपने अपने प्रकार में चार प्रकार का होता है ना। आप बहुत ध्यान से समझिए, अच्छे आराम से बिना तनाव के समझिए, बहुत समझ में आपको आसानी से आएगा। जैसे प्रेजेंट टेंस आप समझ रहे हैं ना, तो ये प्रेजेंट टेंस जो है इसके चार पार्ट है, अपने अपने प्रकार चार है, कौन कौन से, यानी फोर टाइप है। तो प्रेजेंट ये जो सिंपल लगाएगा अपन सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, है ना। तो कैसे रहेगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस, यानी अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या हो जाएगा, साधारण वर्तमान काल, है ना। दूसरा अगर देखा जाए तो प्रेजेंट का सेकंड वाला, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अगर हिंदी में बोला जाए तो क्या होगा, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। थर्ड क्या होता है प्यारे बच्चों, जैसे इसका प्रेजेंट करा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हिंदी में क्या बोलेंगे, पूर्ण वर्तमान काल, है ना। अगला क्या रहेगा है, परफेक्ट कंटीन्यूअस, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हिंदी में क्या बोला जाएगा, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल, है ना। तो इस प्रकार से जैसे ये जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के अपने चार प्रकार हैं, कौन कौन से, सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहेंगे, है ना,
उसका दूसरा नाम है। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस को प्यारे बच्चों प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। थर्ड क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। चार प्रकार हो गए ना इसके, बहुत ध्यान से सुन लिए। इसके बाद देखो प्रेजेंट के तो अपने चार हो गए, पास्ट जो है प्यारे बच्चों उसके भी चार होते हैं। तो पास्ट का कैसे बोलेंगे, जैसे हमने प्रेजेंट का पढ़ा है, पास्ट का भी पढ़ के लिखते हैं। तो पास्ट का क्या है, जैसे ये लिखा है पास्ट, तो पास्ट का क्या हो जाएगा, पास्ट का होगा पास्ट सिंपल टेंस, यानी पास्ट सिंपल टेंस यानी साधारण भूतकाल। इसके बाद क्या आ जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भूतकाल। अगला आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। उसके बाद फोर्थ जो आएगा, फोर्थ होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल, है ना, पूर्ण अपूर्ण भूतकाल। तो कुछ इस प्रकार का ये इसके चार हो गए, है ना। अब देखो अपन ने प्रेजेंट के चार पढ़ लिए, पास्ट के भी चार पढ़ लिए, एक से ही होते हैं, लेकिन इनके आगे फर्क लगता है, इसलिए हमने एक बार में आपको समझा दिया। आपको भी बस इतना ध्यान रखना है और बाकी कुछ ध्यान नहीं रखना है। इसके बाद आ गया अपन फ्यूचर, तो फ्यूचर का भी क्या मसला है भाई, फ्यूचर को भी यही है। फ्यूचर का क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी साधारण भविष्यकाल, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण भविष्यकाल। इसके आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्यकाल। और नेक्स्ट जो आ जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना सबसे लास्ट वाला। तो प्यारे बच्चों इस आधार पर आप ये समझे कि नहीं, देखो जैसे प्रेजेंट के जो प्रेजेंट टेंस है इसके आपने अपने कितने प्रकार है, चार प्रकार है, है ना, पूरे ये चार प्रकार ये रहे। और इसके बाद जो पास्ट में इसके भी कितने प्रकार होते हैं, इसके भी चार प्रकार होते हैं। इसके बाद जो फ्यूचर है, फ्यूचर के भी कितने प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों, ये भी चार प्रकार होते हैं। तो कुल मिला के जो देखो ये सभी के प्रकार जो है, ये सभी के प्रकार कितने हो जाएंगे, ये सभी देखो चार के हो गए, इनके आगे आगे जो ना पता है प्रेजेंट सब पर जोड़ा तो इसके आगे आगे रख के देखो इसके चार, पास्ट इन सब के आगे रख के देखोगे तो इसके चार, फ्यूचर इन सब के आगे आगे रख के देखोगे तो इसके चार, है ना। तो कुल मिला के ये जो होते हैं ये ट्वेल्व होते हैं। तो टेंस कुल कितने हैं, टेंस कुल तीन है, लेकिन इस हिसाब से इनके चार प्रकार हैं। वो चार प्रकार को इंक्लूड करने के बाद इनकी कुल संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों, ये ट्वेल्व हो जाते हैं। वो ट्वेल्व भी आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएंगे, आप भी मुझ पर विश्वास रखिए, है ना। अगर आपने कभी भी टेंस नहीं पढ़े हैं तो आप इस क्लास को पढ़ने के बाद कभी भी आप ये नहीं कहोगे हमें टेंस किसी और से पढ़ना है, है ना। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। फिर इसके बारे में क्या करेंगे, देखो ये समझ लिया है आपने। इसके बाद जो आपने प्रेजेंट सिंपल टेंस समझा है, यानी प्रेजेंट टेंस जो है उसके चार पार्ट है। चार पार्ट का जो पहला वाला पार्ट है उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, याद है ना। प्रेजेंट सिंपल टेंस अपन यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है इसकी हिंदी मालूम होनी चाहिए। तो हिंदी वैसे हमने आपको बता ही चुके हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देख लो हिंदी में क्या लिखा है, साधारण वर्तमान काल। तो इसका सीधा मतलब क्या होता है, साधारण वर्तमान काल। साधारण यानी जो वर्तमान में साधारण चीजें हैं उस हिसाब से चलेगा। अभी आपको समझ में आएगा, जस्ट अ मिनट। सबसे पहले क्या देखेंगे अपन, देखो यहाँ अपनी क्लास में पढ़ने वाले हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हैं ना, तो अपन दोनों के हिसाब से पढ़ाएंगे, है ना। तो सबसे पहले क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आप ये देखो कि हिंदी पहचान क्या है, है ना। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि हिंदी पहचान है क्या इसकी। तो हिंदी पहचान क्या है प्यारे बच्चों, हिंदी पहचान जो है वो आनी चाहिए इसमें, आनी चाहिए, है ना, आनी चाहिए। का मतलब आप इसमें ये देखेंगे, जैसे ये है ता है, है ना, मैं पेन चेंज करता हूं, जैसे ए लिखा है ता है, ती है और ते, है ना। अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा है पीछे सबसे बैक पार्ट में, तब आप मानेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अगर आप यहां देखें तो देखो इसमें समझ में आएगा, देखो ता है, ते है, ता है आया ना पीछे पीछे, देखो ये बैक वाली साइड में
तो इसमें आप क्या समझेंगे कि कौन सा वाला टेंस है? साधारण वर्तमान काल। अभी केवल आपको इतना ही जो जो चीजें बताते जाएंगे केवल उसको ध्यान रखना है ना। तो हिंदी पहचान में आपको क्या दिखेगा प्यारे बच्चों? ता है, ती है या फिर ते है ना, और कुछ ध्यान नहीं रखो अभी है ना। वाक्य आपको देखा हमें समझ में नहीं आ रहा क्या लगा लेंगे सबसे पीछे, सबसे पहले आपको नजर कहाँ डालनी है? वाक्य के पीछे। वाक्य के पीछे अगर ये लिखा है ता है और ये लगा है ते, ये दोनों वर्ड जो है यहाँ मैच कर रहे हैं, इसका मतलब है ये टेंस कौन सा वाला है? ये टेंस साधारण वर्तमान वाला है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब ये तो पहचान हो गई हिंदी वालों के लिए, इंग्लिश वालों के लिए क्या पहचान रहेगी? अगर इंग्लिश में कोई वर्ड लिखा है और वर्ड में आपको क्या दिख जाए, वर्ड में आपको इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से या डू लिख जाए या डज दिख जाए या जो मुख्य क्रिया है यानी मेन वर्ब है उसका पहला या पांचवा रूप दिख जाए तो आप उसको क्या मानेंगे? उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब यही नहीं है मालूम अपन को कि ये क्या हो गया, ये मेन वर्ब क्या है, पहला फॉर्म मतलब, पांचवा फॉर्म मतलब, पूरा को टेंशन नहीं लो, सब समझाएंगे आपको, यही समझा रहे हैं अभी। देखो मेन वर्ब जिसके हमने आपको पहले बता दिया है एक बार कि मेन वर्ब प्यारे बच्चे वो होती है जिनमें कोई ना कोई कार्य का होना पाया जाता है। उदाहरण के लिए अगर अपन समझे तो जैसे आना, पीछे ना है ना, तो आना एक क्रिया भी है ना, कार्य का होना भी पाया जा रहा है। तो जिनके पीछे मोस्टली क्या रहता है, जब बिल्कुल आसान शब्दों में आप ये समझो, जिनके पीछे ना आ जाए, ना 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 है ना, ना आ जाए, खाना पीना, नहाना धोना उठना बैठना आना जाना खाना पीना धोना है ना, सोना रोना जागना उठना बैठना, ये सब जो है पीछे पीछे ना आता है, ये सभी मुख्य क्रियाएं हैं। तो हिंदी में सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि आप सबसे पीछे इनको देख पाओगे क्या? ना का अन, तो देख पाएंगे ना, ओके है ना। तो अपन ना को देखते हुए बता देंगे कि ये तो है यार इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन में जो मेन वर्ब है यानी मुख्य क्रिया है, जो मुख्य क्रिया होती है यानी जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब में तो पीछे ना आता है हिंदी में। तो इंग्लिश में जब अपन इसको लिखते हैं जैसे हम ये लिखते हैं आना ही लिखते हैं है ना, तो आना नहीं अपन जाना लिखते हैं, तो जाना में आपको ज्यादा समझ में, जैसे जाना लिखा तो जाने को क्या बोलते हैं, ये सब कोई मालूम रहता है। अभी तो गो लिखा है फर्स्ट फॉर्म है प्यारे बच्चों, सेकंड है जो सेकंड फॉर्म होता है वेंट, थर्ड जो है वो होता है गॉन है ना, फोर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों, तो फिफ्थ फॉर्म कब बन जाता है प्यारे बच्चों? जब इसमें एस जुड़ जाए पीछे या यस जुड़ जाए सबसे पीछे या आई एस जुड़ जाए, फिफ्थ फॉर्म में तीन चीजें जुड़ जाए तो फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। देखो इसके पीछे यस जुड़ा है, यस जुड़ा है, ये फिफ्थ फॉर्म है। तो समझ में आया? इंग्लिश मीडियम वाले बहुत ध्यान से सुने कि अगर किसी भी मुख्य क्रिया में मेन वर्ब में आपको यस जुड़ा दिख रहा है तो आप ये समझें कि वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का उदाहरण है। अब भाई ये कैसे पता चलेगा है ना, तो सबसे पहले हम वाक्य लिख के बता दे रहे हैं। जैसे मैं यहाँ लिख दूं राम गोस टू, या राम गोस वाला तो यही हो गया है ना, जैसे लिख दें राम मेक्स अ के आई टी काइट। अब देखो ये तो इंग्लिश में वर्ड है, पूरा वर्ड समझ में आएगा किसी को आए ना आए, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले भी अभी समझ जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे? अरे ये मेक का मतलब तो हमने सुना है कि बनाना होता है, बनाना होता है, बनाने के लिए तो मेक बोलते हैं, ये एस क्यों जुड़ा है भाई? एस इसीलिए जुड़ा है भाई क्योंकि ये फिफ्थ फॉर्म है, और फिफ्थ फॉर्म में है तो कौन से वाले टेंस में है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अभी केवल आपको इतना देखना है, हमें समझाने का, आपको समझाने का मतलब केवल इतना है फर्स्ट ही वाला लिखा रहेगा,
तो या तो फर्स्ट फॉर्म आए या तो फिफ्थ फॉर्म आए, आप क्या समझेंगे ये प्रेजेंट सिंपल का है। अब आगे बढ़े, अब भाई ऐसा कैसे हो सकता है, अरे ये फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म मतलब कैसे आ जाएंगे, यहाँ राम के साथ ऐसा क्यों आ गया, तो इसमें हम यहाँ समझा रहे हैं। देखो अगर वाक्य में डू आए तो डू हमेशा आएगा कहाँ प्यारे बच्चों, डू हमेशा आएगा जहाँ बहुवचन होगा यानी प्लूरल होगा, और डस कहाँ हो जाएगा जहाँ हो जाएगा एक वचन यानी सिंगुलर आएगा। अब बहुवचन मतलब क्या है, यानी बहुत से लोग के लिए जैसे आया, जैसे अपन ने लिख दिया डब्ल्यू वी, उसके बाद आया यू, उसके बाद आया टी एच ई वाई दे है ना, वी यू दे, इसके बाद आ जाएगा यानी जो बहुवचन के लिए यूज किए जाते हैं वो सभी इसमें आ जाएंगे है ना। और इसमें एक वचन में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा ही, सी, इट, कोई का नाम आ जाए तो कोई का नाम है ना। अब ये क्या कहलाते हैं ए प्यारे बच्चों, अब भी हम यहाँ समझाएंगे, आप केवल इतना ध्यान रखिए कि ये जो भाई साहब है ये सबसे आगे लग के अगर आएंगे, ए अगर तीन आएंगे तो टू लग के आ जाएगा, और ए अगर सब आएंगे तो डज लग के आ जाएगा, बस इतना समझना है अभी आपको। इसके बाद आए यहाँ एक वचन और बहुवचन का सीधा मसला क्या है, तो सीधा मसला ये है कि जहाँ एक वचन होगा मतलब कि ये वाले भाई साहब, ये सभी भाई साहब होंगे, वहाँ जो मेन वर्ब होगी, जो मेन वर्ब होगी, अब ये समझा रहे हैं, देखो ये दोनों समझा चुके हैं आपको यहाँ, अब ये दोनों ये समझा रहे हैं मेन वर्ब जो है अगर एक वचन आएगी तो पांच मतलब कि फिफ्थ फॉर्म लग के आएगा, और अगर बहुवचन आएगी तो मेन वर्ब का पहला फॉर्म आएगा। समझे कि नहीं समझे बाबू बताइए। जैसे अगर बहुवचन आया है तो बहुवचन में जैसे मैं लिख दूं गु है ना, गो वाला, ये तो बहुवचन के लिए आएगा, और एक वचन के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ जी ओ ई एस गोस, जी ओ ई एस गोस। तो क्या आपको समझ में आया मेन वर्ब का पहला फॉर्म और पांचवा फॉर्म। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, अब आप तो ये कहेंगे कि सर मतलब मेन वर्ब का देखो ये तो आपको याद करने पड़ते हैं है ना, तीन तो आपको याद करने पड़ेगी, जो मेन वर्ब है मेन वर्ब में तीनों याद करने पड़ेंगे, जैसे रीड का है तो रीड रेड, रीड रेड रेड, तीनों एक से होते हैं। पुट का होता है रखना, पुट पुट पुट, लेकिन जो अलग अलग जैसे धोना, धोने को वॉश बोलते हैं डब्ल्यू ए एस एच वॉश, तो वॉश वॉश वॉश, तीन तो याद करने पड़ेंगे। चौथा आप बना ही लेते हो कि फर्स्ट से आपने आई एन जी अकेला लगाना है, चौथा बन गया। पांचवा कैसे बनाएंगे सर है ना, तो पांचवे बनाने का जो नियम है बिल्कुल अच्छे से नियम, कभी फेल नहीं होगा वो नियम सुन लो। देखो पांचवा कैसे बनाते हैं, बने नहीं आते आपकी गाइड में, आपकी गाइड में या किताब में जो है वो वन टू थ्री बने आते हैं ओनली, और आप अपने दिमाग से बनाए कॉमन सेंस से बनाए लेते हो आई एन जी जोड़ना है अकेला, जबकि फिफ्थ वाले में यस आई एस एस कैसे जोड़ा जाएगा उसके लिए एक अच्छी सी ट्रिक्स बताते हैं जो कि बहुत आपके लिए काम की रहेगी। क्या रहेगा प्यारे बच्चों, जो नियम है ना, नियम क्या है, जो मेन वर्ब लिखी हो यानी मुख्य क्रिया लिखी हो, मुख्य क्रिया के लास्ट में, जैसे मुख्य क्रिया लिखी है मुख्य क्रिया के सबसे लास्ट में, अपन ये समझ ना लास्ट, तो ये पहला वर्ड तो लास्ट का मतलब कोई बना हुआ है ना, तो लास्ट में अगर एस डबल एस एक्स ओ सी एच एस एच, ये पांच छह चीजें हैं, अगर ये अगर सबसे पीछे मेन वर्ब के अंत में लिखी हूं तो आप उसको पांचवा फॉर्म बनाने के लिए, कौन सा फॉर्म, पांचवा फॉर्म बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, ई एस बना देंगे। जैसे अपन देखो ये गो का तो बना चुके हैं, यहाँ एक बार लिख दें गो, गो का अपन ने क्या बना दिया जी ओ गो, लिखने के बाद इसमें ई एस, देखो ओ जो है ये लास्ट था वो तो यहाँ भी मिल रहा था, इसके हिसाब से अपन ने ई एस लगा दिया। सेकंड अगर देखें तो देखो जैसे एक्स आ जाए, जैसे लिखा है मिक्स एम आई एक्स मिक्स, तो मिक्स लिखा है देखो एक्स आया पीछे एक्स, तो अपन क्या करेंगे एम आई एक्स, और क्या जोड़ना है मेरे प्यारे बच्चों ई एस, बहुत बढ़िया ए रहा। थर्ड में क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या आएगा, मान लो एक और अपन कर देते हैं, जैसे अपन कर देते हैं चल एक और आ गया जैसे बॉस W A S H बॉस लिखा, इसको अगर अपन को फिफ्थ फॉर्म बनाना है ना तो क्या लिखेंगे अपन W A S H E S बॉसेस,
ए हो गया अपना फिफ्थ फॉर्म, तो जिन्हें पीछे ई एस लगा दिया है वो फिफ्थ फॉर्म बन गए, ये फर्स्ट फॉर्म थी तो बने आ रही थी फर्स्ट वाली, ये फिफ्थ वाली। क्या आप बना पाएंगे कमेंट में, आप बनाएंगे है ना, हम कुछ चीजें देंगे आप उनकी बना देना आराम से। अब आगे बढ़ें, देखो ये तो हो गई एक, लेकिन इसके नियम तीन होते हैं। देखो एक तो अपन लगाते हैं ई एस, क्योंकि अपन ने यहाँ समझा ही दिया है, उसके बाद अपन समझते हैं आई एस कहाँ लगेगी। आई एस बिल्कुल इसी है, आई एस लगाने का सीधा नियम ये है कि जहाँ जो मेन वर्ब है यानी मेन वर्ब है उसके अंत में बाय आ जाए, और बाय के जस्ट पहले यानी बाय के जस्ट पहले कोई व्यंजन आ जाए इंग्लिश वाली, तो आप आई एस लगा दो। जैसे मैं लिख के बता दे रहा हूँ, जैसे फर्स्ट में मैं लिख दूँ सी आर वाई क्राय, तो क्राय मतलब तो रोना होता है, चिल्लाना होता है, तो देखो आर ये बाय बाद में आया, लेकिन बाय से पहले आप नजर तो देखो, बाय से पहले आप नजर तो देखो, देखो ए बाय से पहले तो आर आया है, आर जो आया है तो आर आर तो एक व्यंजन है ना भाई, आर तो एक व्यंजन है। अब व्यंजन है ना तो अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे एक मिनट, इसमें क्या है बाय आए तो बाय हटा देंगे, बाय हटा देंगे और क्या आई एस एड कर देंगे, जोड़ देंगे है ना, बाय को हटाना पड़ता है। तो यहाँ क्या लिखना है सी आर आई ई एस, समझे कि नहीं समझे बताइए, अंगला लिखूं, अंगला जैसे लिखा है एफ आर वाई फ्राई, फ्राई का बना लोगे क्या एफ, उसके बाद क्या है आर, आर तो व्यंजन है समझ गए ना, बाय से बाय पहले आया है, तो इस हिसाब से आई ई एस। अब एक और लिखूं क्या मैं, जैसे मैं लिख दूं थर्ड में मैं लिख के देखूं ये लिखा है पी ए बाय पे, पे मतलब तो होता है चुकाना, तो पे का क्या हो जाएगा पी ए पी ए आई ई एस, ऐसा होगा क्या, अरे नहीं ये तो बाय आया है लेकिन बाय से पहले तो कोई स्वर आ गया है, वोवेल आ गया है, ये तो एक वोवेल है, तो इसमें नियम फॉलो नहीं होगा है ना, इसमें क्या हो जाएगा फिर, इसमें अपन क्या करेंगे पी ए बाय एस फेस ए रहेगा, मतलब ये तीसरा नियम यही है कि जहाँ ऊपर की दोनों नियम मतलब ए वाला नियम और ए वाला नियम फॉलो ना हो वहां अपन क्या करेंगे, वहां अपन क्या करेंगे वहां एस लगा देंगे प्यारे बच्चे, समझे कि नहीं, वहां एस लगा देंगे। जैसे मैं यहाँ देखो ये तो लिख दिया है पी ए बाय पे, पे का पी ए बाय एस पेस हो गया, ये यहाँ सही चलेगा। इसके अलावा और भी अगर कोई वर्ड आ रहा है, जैसे आ गया आपका टेक टी ए के ई टेक, अब देखो ये टेक का मतलब तो लेना होता है, टेक में तो ऐसे कोई नियम आ भी नहीं रहे, ना बाय आ रहा है ना एक्स इसमें से कुछ आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे टी ए के ई एस टेक्स, आपको ई एस लग रहा है लेकिन इसके हिसाब से लगाया अपन ने एस ही लगाया थी, बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया बहुत अच्छे से है ना। अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ तक तो नियम भी क्लियर हो गए कि फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगना है फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगना है। अब आपको समझाते हैं कि भाई साहब ये क्या लिख दिया था, ये तो समझ में ही नहीं आया था यार ये क्या था है ना, कि सर ये क्या लिख दिया आपने। तो प्यारे बच्चों ये होते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन प्रोनाउन कौन से होते हैं, ऐसे नाम है ना, मतलब ऐसे नाम जिनको बदल के लिखा जाता है प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ अगर कुछ लिखे, जैसे लिखा है राकेश है ना, तो सबसे पहले आप फ्रेम का बदल के देख लेते हैं, इन प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग आप लिख लेना है ना, आप ही सभी बच्चे लिख लेना जो जो भी बैठे, इसमें क्या लिखूं, इसमें वी का है तो हम, यू का आप, दे का वे, उसके बाद आ जाएगा ही का वह, शी का वह, इट का भी वह होता है लेकिन ही का लड़कों के लिए, सी का लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए इट का निर्जीव वस्तुओं और जानवर के लिए, और नेम कोई का नाम हो जब आता है ना। इसके बाद क्या करेंगे अपन, हम वर्ड भी तो बना के देंगे, पूरा वाक्य बना के देंगे, बन भी रहा है कि नहीं, यहाँ तक तो अपन समझ गए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, हमने कहा आपसे हिंदी में आप वाक्य देखोगे, वाक्य में गए यहाँ आ गए, यहाँ से सबसे पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाके अपन को देख रहे हैं हिंदी पहचान, हिंदी पहचान क्या है, तीन वर्ड से मैच खा रही है, हाँ भाई साहब लिखा है ता है ती है ते है,
तीन चीजें हैं, तीन चीजों में ता है तो इसमें मिल गया है। बस पकड़ लिया अपन ने सेंटेंस, कौन से वाले टेंस का है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। तो आप क्या करोगे, आप आगे बढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन को क्या करना है, सबसे पहले अपन को ये देखना है कि इनकी होते हैं कुछ नियम। नियम बोले तो कुछ ऐसा होता है जैसे हम एक इसको अगर अरेंज करते हैं ना तो कुछ आपको नियम अच्छी आसानी से समझ आ रहा है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। इसके बारे अगर देखो इस वाले टेंस में है ना, इस वाले टेंस में सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के बाद आता है मेन वर्ब का पहला या पांचवे नंबर का फॉर्म, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। बस इसी के अनुसार अपन को चलना है। अगर अपन ये देखो अफर्मेटिव का, अफर्मेटिव यानी साधारण वर्ब, नेगेटिव हो तो सबसे पहले अपन लिखेंगे सब्जेक्ट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब तो देखो कोई आती नहीं है, इसमें है नहीं, तो या तो डू या तो डस, फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब का पहला नंबर का फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। ये जैसे आप फॉर्मूले याद करते हो वैसे याद करने पड़ेंगे आपको। इसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब दो थी ना, ये डू और डस वाली, इनको अपन आगे रख लेते हैं। तो डू या फिर डस, डू या डस प्लस ये देखो ये सब्जेक्ट यहाँ आया, तो ये रहा सब्जेक्ट। इसके बाद ये रही मेन वर्ब का पहला फॉर्म, ये रहा ऑब्जेक्ट। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा बस फ्रेजेस बना के रखिए, हर चीज समझ में आएगी, है ना। बात तो यही क्लियर होती है कि आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, है ना। धैर्य ही इंसान को सफलता के लक्ष्य तक पहुंचाता है, है ना। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, देखो इसी के हिसाब से जमाना है। आम मतलब राकेश आम खाता है, ये लिखा है, तो इसको अपन क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है, तो सब्जेक्ट तो राकेश है, तो अपन यहाँ आते वो सब बना रहे हैं, तो ये लिखा आर ए के ई एस एच राकेश, है ना, इतना बन गया। इसके बाद तो आई यार मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब तो खा ना, देखो बताया था पीछे ना को जोड़ना पड़ता है, वरना लिखा भी आता है, तो खाना नाम का खाना, खाना खाने को क्या बोलते हैं, ईट। तो सीधी पहली बात तो अपन ईट लिख दें। देखो राकेश तो भाई साहब एक वचन है, ये कई आदमी है ना, एक वचन है, तुरंत आ जाओ एक वचन है। अगर एक वचन है तो मेन वर्ब का कौन सा वाला फॉर्म, पांचवे नंबर का फॉर्म। पांचवे नंबर का फॉर्म में क्या लगेगा, एस ई एस या आई एस, है ना। तो राकेश एक वचन है, इसके साथ अपन को क्या लगाना चाहिए, ईट लिखा है। ईट क्या फर्स्ट वाले नियम में आ रहा है, नहीं आ रहा है भाई साहब, तो टी लिखा है, नहीं आ रहा है सर। सेकंड वाले में वाय ये है, इसमें वाय है क्या, नहीं आ रहा है सर। तो थर्ड नियम लगा दो, थर्ड नियम में क्या एस ही तो ऐड कर दो, एस हो गया, क्या हो गया राकेश ईट्स, तो ये हो गया। फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या, उसका काम क्या है, वर्क क्या है, कर्म क्या है। तो ये राकेश खा रहा है क्या, आम, आम मैंगो, एम ई एन जी ओ मैंगो, बस बात यहाँ क्लियर हो गई है कि नहीं, ये समझ में आ गया, ये हो गया। अगर अपन देखें, अगर इसका नेगेटिव सेंस समझे, है ना, देखो ये तो हो गया सिंपल, ये सब्जेक्ट के हिसाब से ये सब्जेक्ट जम गया, मेन वर्ब के हिसाब से मेन वर्ब जम गई, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट जम गया, बात खत्म। समझ में आया कि नहीं आया। अब दूसरा सुनो, ये लिखा है जैसे, तो इसको नेगेटिव कैसे बनाते, सबसे पहले अपन लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो राकेश था, तो यहाँ अपन लिख दें राकेश, है ना, यहाँ अपन लिख देते हैं जल्दी से राकेश लिख दें, है ना, राकेश आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले अपन राकेश लिख के देखते हैं, तो ये लिखा है अपन ने आर ए के ई एस एच राकेश। सब्जेक्ट के बाद देखो या तो डू नॉट या डज नॉट, अब क्योंकि इसमें तो एस लगा था और राकेश तो एक वचन है, एक वचन के साथ मतलब कि जो एक वचन होते हैं उनके साथ क्या लगता है प्यारे बच्चों, पूरा याद करना पड़ता है, तो एक वचन के साथ तो डज लगता है, तो राकेश के साथ क्या लगेगा भाई साहब, राकेश के साथ डज लगेगा, तो अपन ने डज को चुन लिया। इसके बाद चाहिए नॉट, नॉट के बाद चाहिए मेन वर्ब का पहला फॉर्म, तो पहला क्या ऐसा था, तो पहला बन गया, तो ई ए टी ईट, ईट के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट है मैंगो, एम ए एन जी ओ मैंगो,
बस बात यहाँ क्लियर हुई, नेगेटिव बन गया है कि नहीं। अंगला जो है, अंगला वाला वो रहेगा अपना इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव भी बिल्कुल इजी है, क्या करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, डू या डज चीज चुना था वो लिख दो, यानी इसमें डज चुना था तो अपन क्या करेंगे डज ही लिख दिया आगे। डज के बाद देखो सब्जेक्ट चुना था तो ये सब्जेक्ट तो राकेश है, आर ए के ई एस एच राकेश आ गया। देखो राकेश के बाद अपन ने मेन वर्ब का पहला फॉर्म, तो ये पहला फॉर्म यहाँ लिखा है ई ए टी ईट हो गया। इसके बाद लिखा है मैंगो, तो एम ए एन जी ओ मैंगो, और ये क्वेश्चन मार्क है तो ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया है ना। बेसिक तौर पर अपन ने तीनों लिख दिए हैं, यानी एक रहेगा अपना अफर्मेटिव का, एक रहेगा अपना नेगेटिव वाला, और एक रहेगा इंटरोगेटिव वाला है ना। तो प्यारे बच्चों ये रहे अपना प्रेजेंट सिंपल टेंस, और प्रेजेंट सिंपल टेंस के एक दो उदाहरण हम यहाँ आपको लिखवा दे रहे हैं जो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा है ना। तो आप देखते हैं जो इसके बारे में सेकंड वाला एग्जांपल और देख लेते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल आपको समझ में आया होगा। अब सेकंड वाला जल्दी ध्यान से अपन देखते हैं। देखो बच्चे फुटबॉल खेलते ही लिखा आया है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट तो वही साहब सबसे पहले याद आता है। देखो अपन को कुछ भी करना है इन तीन के हिसाब से ही करना पड़ता है ना, ये तीन के हिसाब से करेंगे तो आपकी कभी गलत नहीं होगी। सबसे पहले अपन को सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट तो बच्चे हैं, बच्चों को क्या बोलते हैं चिल्ड्रन, C-H-I-L-D-R-E-N children। children के बाद देखो main verb लिखनी है, तो main verb क्या है इसमें, सबसे पहले देखो पहचान रहती कि नहीं पहचान लेते, ता है ती है ते है, इसमें ते है आया है, ते है जो कि यहाँ से आया है ना, ये ते है ये जो है यहाँ से आया है, पहले तो पहचान आपको कर लेनी थी। उसके बाद आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा गया है, सब्जेक्ट लिखने के बाद main verb देखो, main verb तो है खेल, और क्या जोड़ना था, ना जोड़ना था, ना ना जोड़ना भूलना, ना को जरूर जोड़ना है, तो खेलना, खेलने को क्या बोलते हैं प्ले, तो अपन क्या लिखेंगे चिल्ड्रन पी एल ए बाय प्ले। और भाई साहब चिल्ड्रन यानी बहुत से बच्चे हैं, बहुत से बच्चों को बहुवचन में लिया जाएगा, बहुवचन के लिए यानी एक वचन तो बहुवचन, बहुवचन में मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, मेन वर्ब का पहले ही फॉर्म, तो चिंता ही नहीं है, यही लिख दो जब खत्म रहेगा चिल्ड्रन प्ले। अब देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया मेन वर्ब, अब चाहिए ऑब्जेक्ट, यानी बच्चे क्या खेल रहे हैं, तो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो अपन यहाँ ऑब्जेक्ट लिखेंगे फुटबॉल, लिखा गया ना सही है। अब नेगेटिव आप बिल्कुल आसानी से नेगेटिव कर पाएंगे, देखो सबसे पहले तो क्या होता है सब्जेक्ट जब खत्म होता है C-H-I-L-D-R-E-N children, ये हो गया। अब देखो children के बाद अपन या तो do या तो does लगाएंगे, अब do और does किस हिसाब से लगाया था, अगर बहुवचन हो तो do लगेगा, एक वचन हो तो does लगेगा, बच्चे तो बहुवचन है, बच्चे बहुवचन है तो क्या लगेगा प्यारे बच्चों, do लगेगा, तो ये लगा दिया अपन ने do, किससे चुन के इन से चुन के do लगेगा, फिर चाहिए अपन को not है ना, do not, do not के बाद अपन क्या करेंगे मेन वर्ब का पहला फॉर्म, तो मेन वर्ब तो पहला पहले ही से था, तो पी एल ई वर्ब प्ले, उसके बाद फुटबॉल जो कि तय एफ डब्ल्यू डी फुट बी डबल एल बॉल फुटबॉल, ये हो गया। इसके बाद चलिए इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में प्रश्नवाचक, सिंगल इंटरोगेटिव बनाएंगे अपन, तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, जो अपन ने ऊपर नेगेटिव में चुना था वो यहाँ लिखना पड़ता है, मतलब एक वचन है कि बहुवचन, अब भी समझाया बच्चे तो बहुवचन कहलाते हैं, तो बहुवचन है तो अपन क्या करेंगे डू यहाँ लिख दिया, डू के बाद सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट ए सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रन। इसके बाद देखो डू आ गया, डू और डज में से कोई सब्जेक्ट आ गया, फिर मेन वर्ब का पहला फॉर्म, मेन वर्ब तो पहले ही लिख दिया भाई साहब प्ले है ना, मेन वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट तो ए रहा फुटबॉल, एफ डबल टी फुट बी ए डबल एल बॉल फुटबॉल आ गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, बस बात यहाँ कंप्लीट हुई। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा है ना, और टेंस बहुत मजेदार तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको, बस आप साथ बने रहिए है ना, अपन टेंस आपकी टेंशन नहीं लेंगे है ना।
टेंस जो है टेंस की टेंशन आप मुझ पे छोड़िए बड़े ही मजेदार तरीके से, जिससे आपको ये पढ़ाया है अब आगे भी पढ़ा